दोस्तों हमने इस वेइंग मशीन को कहीं जगहों पे देखा होगा। जहां पुराना मैकेनिकल वजन काटा बैलेंसिंग के सिद्धांत पे काम करता था, वहीं पे इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ना इस पे कोई 1 kg, 2 kg या 5 kg का वेट रखना है, ना इसको बैलेंस करना है। जैसे ही इसके ऊपर कोई भी वजन रखा जाएगा, ये तुरंत ही उसका वेट बता देगा। इसके अंदर ऐसा क्या है जिससे ये इतनी अच्छी तरह से काम करता है? तो चलिए आज 3D एनिमेशन से इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों शुरू से शुरू करें तो इस बेस को उठाते ही आपको ये लोड सेल दिखेगा, जो कि इस वेइंग स्केल का हार्ट है। ये लोड सेल दिखने में कुछ इस तरह दिखता है। इसके दो एंड है, जिसमें से एक एंड इस फ्रेम के साथ इन दो स्क्रूज की मदद से जुड़ा हुआ होता है और इसके दूसरे एंड पे ये बेस फिट होता है और दो स्क्रूज से। इसका मतलब है कि हम जो भी वजन इस बेस पे रखते हैं वो इस लोड सेल के बस एक ही एंड पे आता है। दोस्तों जब बेस पे कोई भी वजन नहीं होता है तब लोड सेल कुछ ऐसा दिखता है, पर लोड सेल पे ये वजन आते ही लोड सेल कुछ इस तरह से बेंड होता है। जब ये बेंड होता है तो आप देख सकते हो इस जगह पे खिंचाव यानी कि टेंशन आ रहा है, ये रेड लाइन लंबी हो रही है, पर सेम टाइम पे इस जगह पे दबाव यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि ये ब्लू लाइन दब रही है और नीचे की साइड यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे कंप्रेशन आएगा। अब इसी खिंचाव और दबाव का उपयोग करके वजन को नापना है, पर कैसे? तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे लोड सेल एक इलेक्ट्रिकल सिद्धांत का उपयोग करता है। ये सिद्धांत है रेजिस्टेंस चेंजेस का। दोस्तों कोई भी कंडक्टर का एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि इस मेटल स्ट्रिप का भी कुछ रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 100 ओम। अगर इस मेटल स्ट्रिप को खींचा जाए तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। वहीं पे अगर इस मेटल स्ट्रिप को कंप्रेस किया जाए तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब अगर इस मेटल स्ट्रिप के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव एंड पे और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव एंड पे जोड़ दिया जाए तो इस मेटल स्ट्रिप से करंट फ्लो होने लगेगा। अब क्योंकि ये बैटरी 9 वोल्ट की है, इसका मतलब है कि इसके पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 9 वोल्ट है। इसके पॉजिटिव एंड से 9 वोल्ट का करंट जब इस मेटल स्ट्रिप से पास होगा तो इसमें कुछ वोल्टेज डिफरेंस आएगा। जैसे कि इस एंड पे 9 वोल्ट है तो इस एंड पे हो सकता है कि 8 वोल्ट हो। अब अगर इस मेटल स्ट्रिप को खींचा जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वोल्टेज डिफरेंस भी बढ़ेगा, जैसे इस एंड पे अब शायद 7.5 वोल्ट ही होगा। और अगर सेम इस मेटल स्ट्रिप को कंप्रेस किया जाए तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे अल्टीमेटली वोल्टेज डिफरेंस भी कम आएगा, शायद अब इस एंड पे 8.5 वोल्ट होगा। अगर हम मेटल स्ट्रिप के दोनों एंड पे वोल्टमीटर लगा दें तो ये दोनों एंड के बीच का वोल्टेज डिफरेंस बता देगा। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट था, टेंशन में 1.5 वोल्ट और कंप्रेशन में 0.5 वोल्ट। अब अगर हम इस मेटल स्ट्रिप को लोड सेल के साथ यहाँ पे चिपका दें तो वजन आने की वजह से मेटल स्ट्रिप टेंशन में आएगी, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अल्टीमेटली वोल्टेज डिफरेंस भी बढ़ेगा। और ये वोल्टेज डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस पे रखे हुए वेट के। दोस्तों वैसे तो लोड सेल इसी सिद्धांत का उपयोग करके वेट मेजर करता है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। रियलिटी में इस पतली सी मेटल स्ट्रिप के दोनों एंड पे 1 वोल्ट का डिफरेंस नहीं मिलता, ये इतना कम होगा कि इसे मेजर करना मुश्किल है। इसीलिए इस मेटल स्ट्रिप की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस आकार में। अब कुछ ठीक ठाक वोल्टेज डिफरेंस हमें इसके दोनों एंड पे मिलेगा, पर अभी भी ये इनफ नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इस स्ट्रेन गेज को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ यूज करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में सामान्यतः 4 स्ट्रेन गेजेस होते हैं, चारों स्ट्रेन गेजेस लोड सेल पे फिक्स होते हैं। ये लोड सेल की टेंशन वाली जगह पे, ये कंप्रेशन वाली जगह पे, ये टेंशन वाली और ये कंप्रेशन वाली जगह पे फिक्स होगा। अब जब लोड सेल पे कोई भी वजन नहीं होगा तो इन सारे स्ट्रेन गेजेस का रेजिस्टेंस एक जैसा होगा, क्योंकि अभी कोई भी ना तो टेंशन में है और ना ही कंप्रेशन में। इसलिए जब बैटरी से 9 वोल्ट का करंट पास होगा तो वो इन दोनों ही स्ट्रेन गेजेस से पास होने के बाद सेम अमाउंट में वोल्टेज ड्रॉप करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 9 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 8.8 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 8.8 वोल्ट होगा। अब अगर मैं इन दोनों एंड के बीच में वोल्ट मीटर लगा दूँ तो मुझे इन दोनों एंड के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जगह पे वोल्टेज सेम है। पर जब इस लोड सेल पे वेट आएगा तो ये बेंड होगा, जिसे टेंशन वाला स्ट्रेन गेज लंबा होगा और कंप्रेशन वाला स्ट्रेन गेज छोटा होगा, जिससे यहाँ पे स्ट्रेन गेजेस का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और यहाँ पे कम होगा।
जिससे टेंशन वाले स्ट्रेन गेजेस के दोनों एंड पे वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा और कंप्रेशन वाले स्ट्रेन गेजेस के दोनों एंड पे वोल्टेज डिफरेंस कम होगा, जिससे अल्टीमेटली हम इस वोल्ट मीटर में जो कि इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज डिफरेंस मेजर करता है उसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस शो करेगा जो कि आएगा 0.4 वोल्ट। और ये 0.4 वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस वेट पे जिसे हमने इस लोड सेल पे रखा है। अगर ये वेट 1 केजी था तो 2 केजी वेट रखने पे वोल्टेज डिफरेंस 0.8 वोल्ट आएगा, जिसे अल्टीमेटली हम एक ग्राफ बना सकते हैं कि इस वेट पे इतना वोल्टेज डिफरेंस आएगा। यानी इसका उल्टा हम इस ग्राफ की मदद से ये भी पता कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज डिफरेंस इतना है तो वेट कितना होगा, पर हमें कोई ग्राफ वगैरह देख के पता नहीं करना है, हमें डायरेक्टली स्क्रीन पे वेट ही देखना है। तो इसके लिए हम इस एम्पलीफायर और माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। इसमें हम इन दो एंड से वायर्स लेके इस एम्पलीफायर में जोड़ देते हैं। ये इन दो एंड के वोल्टेज डिफरेंस को बढ़ा देता है जिससे इसे रीड करने में आसानी रहे, और ये एम्पलीफायर इस वोल्टेज डिफरेंस को इस माइक्रो कंट्रोलर को बताता है। इस माइक्रो कंट्रोलर के पास डिजिटल फॉर्म में ये ग्राफ है जिसमें देख के ये वेट को इस डिस्प्ले पर डायरेक्टली शो कर देता है। इसके अलावा हम बैटरी को डायरेक्टली यहाँ पे ना जोड़ के इसका पावर माइक्रो कंट्रोलर को देते हैं। माइक्रो कंट्रोलर इस एम्पलीफायर को और एम्पलीफायर इस लोड सेल या व्हीटस्टोन ब्रिज को पावर देता है, जिसे बैटरी का कुछ पावर माइक्रो कंट्रोलर भी यूज कर पाता है डिस्प्ले वगैरह को चलाने के लिए। यहाँ पे एक आखिरी बात समझने की ये रहती है कि हम एक स्ट्रेन गेजेस की जगह 4 स्ट्रेन गेजेस क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने के पीछे का कारण ये है कि ये स्ट्रेन गेजेस सिर्फ टेंशन और कंप्रेशन की वजह से रेजिस्टेंस चेंज नहीं करते हैं, बल्कि टेंशन और कंप्रेशन के अलावा टेम्परेचर की वजह से भी रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिससे रीडिंग में गड़बड़ी आएगी। पर 4 स्ट्रेन गेजेस लगाने से टेम्परेचर की वजह से आया रेजिस्टेंस डिफरेंस आपस में नेग्लेक्ट हो जाता है, जैसे कि अगर टेम्परेचर कम होने की वजह से इस स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसका भी बढ़ेगा, जिससे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आया वोल्टेज डिफरेंस नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था बैंक मशीन का पूरा इंजीनियरिंग। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके 3D वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।